तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो कितना शानदार जानदार बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बना हुआ है ये। तो आज हम आपको इसी पे सारी वीडियो दिखाएंगे और कितनी देर में दिल्ली पहुंचते हैं वो भी दिखाएंगे। आज हम लोग आ गए हैं बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे। तो ये दौसा से पहले निकलता है हाईवे। तो आज हम बालाजी से आ रहे थे तो देखेंगे आज कितना टाइम लगेगा यहाँ पर दिल्ली पहुँचने में। तो अभी टाइम कुछ हो गया है यहाँ पे, अरे आजा भाई, 2:51 हो चुके हैं और अभी इस हाईवे पे हमें जाना दिल्ली के लिए। तो ये चालू कर दिया है जयपुर वाला हाईवे थोड़ा, और ये जाता है बॉम्बे, लेकिन अभी जयपुर तक का रूट इन्होंने खोला है। तो हम लोग अभी निकलते हैं आगे इस हाईवे पे और दिखाते हैं आपको एक बार बॉम्बे वाला हाईवे। चलो जी, अभी हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए चढ़ जाते हैं और ये जयपुर वाला हाईवे है अभी। तो दिल्ली का देखो, उन्होंने मेंशन किया हुआ कट। तो अभी हम जयपुर आगरा हाईवे छोड़ के दिल्ली हाईवे के लिए जो नया बॉम्बे एक्सप्रेसवे बना है उस पर एंट्री कर लेते हैं। और सबसे पहले वो आपके टोल चेक करेंगे, टोल। तो चलो, आपकी टोल की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर इस गाड़ी में। तो टोल की एंट्री करा लेते हैं फिलहाल। चलिए जी, और टाइम देख लो आप, 2:54 और टोल में हमने कर ली एंट्री। अब देखते हैं कितनी देर में हम पहुंचेंगे इस हाईवे से दिल्ली। बैठे हुए गाड़ी में सब लोग, और बॉम्बे एक्सप्रेसवे से हम लोग निकल गए हैं दिल्ली की तरफ। वैसे जाएंगे सब लोग दिल्ली से बॉम्बे, लेकिन हम जा रहे हैं दिल्ली। हमारे प्रधानमंत्री और गडकरी जी की देन है। हाँ जी, तो ये की देन है। तो ये देखिए जी, ये अभी है 8 लाइन है, ये 4 लाइन इस साइड है और 4 लाइन इस साइड है। 8 लाइन का ये हाईवे बनाया गया है और बीच में ग्रीनरी है। तो थोड़ी देर में हम रोकेंगे आगे और फिर चलेंगे। अभी देखते हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट भी नहीं हमें पता है फिलहाल, तो हमने 120 पे कर दिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे भाई साहब देंगे। 120 पता है भाई साहब कुछ इस हाईवे के? यहाँ पर 16 हेलीपैड है। 16 हेलीपैड, सॉरी, इस रूट के ऊपर। और ये बहुत बढ़िया बनाया है हमारे गडकरी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की देन है। और ये दिल्ली बॉम्बे हाईवे, हम बालाजी से आ रहे हैं और हम, मुझे लगता है कि 2 घंटे में हम 88 स्पीड निकल कामा लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो, अभी 5 किलोमीटर हम चले होंगे, मैंने मीटर लगा दिया। देखते हैं कहां तक ये एग्जिट करेगा हमें गुड़गांव में, कितने किलोमीटर पे। पेट्रोल पंप वगैरह भी चालू हो गया है और यहाँ पे रेस्ट रूम के लिए, यहाँ पे सब चीजें बन रही है रेस्ट रूम के लिए। अभी पीछे हेलीपैड भी गया साइड में, ये हेलीपैड भी ये बना रहे हैं यहाँ पे, और काफी हेलीपैड बनाए गए हैं। 16 हेलीपैड और देख लो हर तरीके की फैसिलिटी। दिल्ली है 231 चलो जी, पहाड़ों के बीच में से जाते हुए अजमेर का था विश्राम एवं रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो यहाँ पे रेस्ट के लिए बनाया हुआ है। तो फिलहाल उतर गए हम यहाँ पे, देखो एक ये सर्विस लाइन है, गाड़ी रोक सकते हो। 1, 2, 3, 4 लाइन है ये। स्पीड कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अपनी गाड़ी जरा संभाल के चलाएं, जितनी स्पीड की यहाँ पे लिमिट है उसी हिसाब से गाड़ी चलाएं। और बीच में पूरा इन्होंने दिया बस, यहाँ पे अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो इसको बढ़ाया जा सकता है हाईवे को। तो ये देखो पहाड़ियों के बीच में से, और रौनक यहाँ पे खड़ा हुआ है
सुनील भाई वीडियो बना रहे हैं और ये देखो तो रौनक आज मुंबई एक्सप्रेस वे पे मौज उड़ाता हुआ और ये बालाजी से दिल्ली जाता हुआ। देर में दिल्ली पहुंचते हैं वो भी दिखाएंगे। वैसे तो हम थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे घूम रहे हैं इसलिए, लेकिन एक्चुअल टाइम भी हम आपको बता देंगे कितना टाइम लग रहा है। भाई कैसा लग रहा है एक्सप्रेस वे पे है? हाँ मुंबई अभी चालू भी नहीं हुआ एक्सप्रेस वे, मुंबई से आए हो? हाँ सबको पता है। तो ये देखो एक्सप्रेस वहाँ गया हुआ है पूरा, यहाँ पे ग्रीनरी अच्छे से है। रस्तोगी जी कहाँ है? रस्तोगी जी उधर फोन पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा प्रसाद लेके आए थे मेहंदीपुर बालाजी से सवा मनी का, तो बॉम्बे हाईवे पे हमें मिल गए यहाँ पर जो काम करते हैं यहाँ पे रोड का, तो उनको हम प्रसाद खिला रहे हैं। तो ये देखो गाड़ियाँ निकल रही है साई साई आरुष। ये देखो भेड़ ही भेड़। तो संजय भाई को लग गया भूख यहाँ पे और हम भी थोड़ा सा और प्रसाद खा लेते हैं यहाँ पे। ये देखो हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे एक पूरी। तो देखा कितना शानदार काम किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा कितना बढ़िया हाईवे बनाया गया है। तो हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और रेस्टोरेंट भी अभी काफी स्टार्ट हो गए इस हाईवे के ऊपर, पेट्रोल पंप भी हम लोगों को मिला, तो बहुत कुछ मिला है। और ये सिर्फ जयपुर के बीच से जो दिल्ली के बीच की दूरी है ना उसके बीच की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर पेट्रोल पंप भी है और काफी रेस्टोरेंट भी स्टार्ट हो गए हैं, तो काफी अच्छा है सब कुछ। तो फिलहाल चलते हैं आगे फिर दिल्ली की ओर और फिर आपको थोड़ी देर में फिर रुक के दिखाएंगे कहीं पर अच्छे अच्छे सीन यहाँ पर हाईवे के। तो फिलहाल तो बहुत ही अच्छा हाईवे आपको दिखाया हमने, देखिए चल रहे भी चल रहे देखते हैं अभी, और साइड में सर्विस लाइन में आ गए हैं। तो देखो पेट्रोल पंप भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो फैसिलिटीज अब स्टार्ट हो चुकी है, बस अब वेट है कि जो बीच में जो काम चालू है मुंबई एक्सप्रेसवे का, जयपुर से जो आगे का एरिया है काफी जगह वो स्टार्ट नहीं हुआ है, बॉम्बे से बड़ौदा शायद चालू हो चुका है, वो स्टार्ट हो जाए तो फिर एक बार दिल्ली से बॉम्बे पूरा टूर हम लोग मारे। चलो जी तो अभी हमने यहाँ से पानी ले लिया और यहाँ पे आप कुछ खा भी सकते हैं, कढ़ी चावल है, मैगी है, काफी चीजें इस पेट्रोल पंप पे इन्होंने ओपन लगाई हुई है। देखिए वो फैसिलिटी, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कार है तो देखिए वो रहा ई चार्जिंग, तो यहाँ अपनी गाड़ी आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे तो सर्विसें तो चालू हो गई हैं, ये 250 किलोमीटर का जो पैच है उसमें जो सर्विस है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो जयपुर से दिल्ली की तरफ है या दिल्ली से जयपुर की तरफ जो भी आप बोलो, तो सब चीज़ें मिल रही हैं आप। तो फिलहाल हम निकलते हैं आगे, अभी फ्री प्लाजा अहेड, तो फ्री प्लाजा करके कोई अभी टोल आया है। गुड़गांव और सोना के लिए पहले पीछे कट गया और अभी देखते हैं कहाँ एग्जिट होगा। ये 1 किलोमीटर नू नू सोना नू तो आगे है, तो अभी तो नू आया है नू। चलो जी तो 5 बज के करीबन आते हुए गूगल पे लगा लो मेरे साथ।